Let's give a clap offering to the Lord. जो लोग मुझसे जुड़ेंगे आपका भी स्वागत है और सबका स्वागत। आपका आप अपने घर के मालिक हैं। घर में जो बाथरूम है उसके मालिक हैं। घर में जो नलका है उसके मालिक हैं। लेकिन आप निकल लेंगे नलका रह जाएगा। सही कि गलत? आप मोटरसाइकिल के मालिक हैं, कार के मालिक हैं, आप निकल लेंगे, मोटरसाइकिल रह जाएगा, कार रह जाएगी, तो किसके मालिक हैं आप? भाई आप सोच के कि आप सही में किस चीज के मालिक? बच्चों के मालिक है? नहीं, 18-20-25 साल के बाद अपने रस्ते जाएंगे। बोल सकते हैं बुढ़ा पका था, जा सकते। हम लोग सब पास्टर लोग जो हैं, जो डॉक्टर पास्टर अपोसल सब लोग हैं, हमें कभी कोई याद पड़ जाती है, लोगों को सिखाते रहते हैं ऐसे नहीं ऐसे ऐसे। और कभी कभी सोचने लगते हैं कि हम लोगों के मालिक। अभी मैंने बोला कि हम तो नलके के मालिक भी नहीं है। तो हम पास्टर्स को टाइम टू टाइम ये याद दिलाना चाहिए कि चर्च यीशु मसीह का है। और यीशु मसीह ने कहा जो सबसे बड़ा होगा, द ग्रेटेस्ट विल बी द सर्वेंट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल शैल बी द सर्वेंट। उसको पूछा हु विल बी द ग्रेटेस्ट, ही सेड द ग्रेटेस्ट विल बी द सर्वेंट। यीशु मसीह ने कहा कि कलीसिया में जो सबसे बड़ा होगा वह दास होगा। All the pastors who are joining me, please say, I am a servant. मैं एक नौकर हूं। नहीं, दास निकल जाता, दास में थोड़ा स्टाइल है। जो लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, जो लीडर बनना चाहते हैं, जो लीडर हैं जाजरा में, पंजाब में, यूपी में, इंग्लैंड में, स्पेन में, they should say, I am a servant. And a servant is meant to serve. हम सब पासवानों को जो मुझे देख रहे हैं और मुझसे जुड़ रहे हैं, यह याद रखना चाहिए कि हम सब नौकर हैं और नौकर का काम होता है मालिक की नौकरी करना। Our children are very precious to us, but we forget that everybody's child is precious to them. हमारे बच्चे हमें बहुत प्रिय होते हैं और हमारे लिए बहुत मूल्यवान होते हैं, लेकिन हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि जो दूसरों के बच्चे होते हैं वह भी उतने ही मूल्यवान हैं। I make it a point, if I have a problem with somebody, I will never involve his or my children in that problem. अगर मुझे किसी व्यक्ति से समस्या है तो मैं उसके या अपने बच्चे को बीच में नहीं घसीटूंगा उस समस्या के। I will not poison my child's ears against anybody. और मैं अपने बच्चों के कान में कोई जहर नहीं घोलूंगा या कोई बुरी बात नहीं करूंगा किसी के खिलाफ। Your time is precious. आपका वक्त कीमती है। So is the time precious of others. तो दूसरों का समय भी उतना ही कीमती है। You don't do eat but only when you are hungry. आप सिर्फ तब नहीं खाते जब आप भूखे होते हैं। You eat when others are hungry. When others are hungry too. जब दूसरे भूखे होते हैं तब भी हम खाते हैं। आपने ब्रेकफास्ट 1 बजे किया, लोगों को 2 बजे भूख लगी, आप बोले भुक्कड़ हो यार, 2 बजे कौन खाता है, क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट 1 बजे किया। सो लिटिल थिंग्स व्हिच यू थिंक ऑफ अदर्स
इज इम्पोर्टेंट। छोटी छोटी बातें जो आप दूसरों के बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण होती हैं। हाउ वॉज अ डे इन द लाइफ ऑफ जीसस? यीशु की जिंदगी में एक दिन कैसा होता था? यूज टू हैव गेट अप एंड हैव अ सम्प्टुअस ब्रेकफास्ट एंड देन रिलैक्स एंड देन यू नो गेट पैम्पर्ड एंड देन यू नो बी फ्लैटर्ड। नो, यूज टू गेट अप and people used to be waiting outside his door. वह उठता था तो मजे से नाश्ता करता था, फिर लोग उसके आकर उसकी वाहवाही करते थे, तारीफी करते थे। ऐसा होता था उसका दिन? नहीं, जब वह उठता था तो लोग उसके दरवाजे के बाहर उसका इंतजार करते रहते थे। The night he had prayed, the previous night he had prayed, and now as he goes out, a blind man comes in and says, "Can you heal me?" And he says, "If you believe, I can heal you." He said, "Yes, I believe that you can heal me," and he heals him. एक रात पूर्व उसने प्रार्थना की और अगले दिन वह बाहर जाता है। एक अंधा व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है कि क्या आप मुझे चंगा कर सकते हैं? यीशु मसीह से पूछते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? वह कहता है, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, और फिर वह चंगा हो जाता है। Then Jesus hails a cab. Then Jesus calls for a cab. कौन सा? ओला। फिर परमेश्वर एक गाड़ी मंगाते हैं। Were they Ola and others at that time? Were they cars? No, I don't think so. So then he starts to walk and tells the people, the kingdom of God is at hand. उस वक्त गाड़ियां नहीं होती थी। वह बाहर जाता है और लोगों को बताता है कि जो प्रभु का राज है वह आपके समीप है, आपके हाथ के समीप है। I dislike people who thrust things on people. मुझे वह चीज पसंद नहीं आती जब लोग कोई बात किसी के ऊपर थोपने लगते हैं। For the life of me, I can't eat pizza. People find it that I'm from some other planet. मैं अपने पूरे जीवन काल में मुझे पिज्जा खाना कुछ ज्यादा पसंद नहीं है और लोगों को लगता है कि मैं किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हूँ। I don't like pizza. I cannot swallow pizza. Angad has tried his level best. He is researching on it that how can anybody not like pizza? लेकिन वह मुझे पसंद ही नहीं है। मेरे पुत्र ने मुझे बहुत खिलाने की कोशिश की और वह ऐसा सोचने में लगा हुआ है कि एक मनुष्य इस पृथ्वी पर उसको पिज्जा कैसे नहीं पसंद हो सकता है। Sometimes lovingly has given it to me. I've chewed it, gone into the bathroom and spat it out. कई बार उसने मुझे प्यार से दिया, मैंने अपने मुंह में रखा भी, चबाया, लेकिन मैंने बाथरूम में जाकर उसे थूक दिया क्योंकि मैं खा नहीं सकता। I can't swallow it. मैं उसको निकल नहीं सकता हूँ। It's a problem. But what is your problem if I don't eat pizza? You shouldn't have a problem. The Lord Jesus says, Pastor, सब मेरे से बड़े-बड़े पास्टर जो मुझे देख रहे हैं, आज मेरा मैसेज ध्यान से सुने, मैं भी सुन रहा हूँ। The Lord Jesus says, the kingdom of God is at hand. यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य जो है वह हाथ में है, वह समीप है। He doesn't say take the kingdom of God. He doesn't say, I thrust the kingdom of God down your throat. He doesn't say, you have to take the kingdom of God. He says, the kingdom of God is at hand. Life is such. उसने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर इस चीज को मर दिया हूँ, तुम राज्य ले लो, तुम्हारे मैं अंदर डालता हूँ। नहीं, उसने कहा कि यह राज्य समीप है, पास है, और जीवन भी ऐसा ही है। Life is such. One guy came to me and said, I want to marry that girl, she's so beautiful. I said, yeah. Beauty lies in the eyes of the beholder. I said, is she agreeing? I said, 50% agreed. I said, how? He said, from my side. I said, from her side, they're zero. I said, it's difficult. So, the beauty of life is The beauty of life is that you do something or say something or tell something or teach something and the beauty of life is that the people want to do it. जीवन की खूबसूरती यह है कि आप कुछ सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, किसी को बोलते हैं और लोग उसको करना चाहते हैं। यह जीवन की खूबसूरती है। You thrust something on somebody, it'll last for a few days and then He'll see you and run away.
अगर आप किसी पर कुछ थोपेंगे तो सिर्फ कुछ दिन ही वह टिका रहेगा और उसके बाद वह इंसान भाग खड़ा होगा। You tell somebody at gunpoint, read the Bible, he'll shoot you one day. अगर आप किसी पर बंदूक रख कर बोलेंगे कि बाइबल पढ़ो तो एक दिन वह आपको ही गोली मार देगा। And if you teach the word well, people will open the book because they find it interesting. और अगर आप वचन सिखाएंगे तो लोग उस बाइबल को खुद खोलेंगे क्योंकि उनको उसमें अच्छा लगेगा। So we go to 1 Peter 5, 2 to 4. You must read the Bible. That you know. Ravi Gupta ji, Rani Bhatti ji, Nitin ji, Abri Begal ji, Satya Rajan Bhera ji, Vijay Vashal ji, Suman Gupta ji, Kanchan ji, Glory of God Church, Suman Gupta, Sabka Swagat hai. Sophia Khan, Rajiv, where are you Rajiv? Not seen you. Patras ki pehli pustak, uska panchwa adhyay, dusri se chauthi ayat tak, ki Parmeshwar ke us jhund ki jo tumhare beech mein hai rakhwali karo. Yes, pastors ke liye. और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। अधिकार आपके पास मेरे ऊपर अधिकार है प्रार्थना कराने का काउंसलिंग कराने का एडवाइस मांगने का वचन समझने का। अ पास्टर हैज टू बी लविंग फ्रॉम द हार्ट बिकॉज गॉड इज लव द बाइबल सेज एंड इफ पास्टर्स फॉरगेट लव दे फॉरगेट गॉड। जितने भी पासवान हैं उनको अपने दिल से लोगों को प्रेम करना चाहिए क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है और अगर आप प्रेम को भूल जाते हो तो आप परमेश्वर को भूल जाते हो। When one sinner repents, heaven rejoices. जब एक पापी पश्चाताप करता है तो फिर स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। Amen. My job is not to seek out your sin and put it on your forehead. मेरा काम यह नहीं है कि मैं आपके पाप को ढूंढ निकालूं और आपके माथे पर उसे लिख दूं। My job is to realize your sin and repent for it, and you need not tell me. मेरा काम यह है कि मैं आपके पाप को समझ सकूं, आपको उसके लिए पश्चाताप हो और जरूरी नहीं है कि आप हर पाप मुझे बताएं। Then heaven will rejoice. तब स्वर्ग में जश्न मनाया जाएगा। If I paste your shortcomings on your forehead, heaven will not rejoice. अगर मैं आपकी गलतियां ढूंढ कर आपके माथे पर मढ़ कर लिख दूं, तब स्वर्ग में कोई आनंद नहीं मनाया जाएगा। But if you repent for your sin and I repent for my sin, heaven rejoices. लेकिन अगर आप अपने पाप के लिए और मैं अपने पाप के लिए पश्चाताप करूं, तो स्वर्ग में जश्न जरूर मनाया जाएगा। A leader's job is to move in love, and love entails a correction. Love entails guidance and love entails love. जो एक नेता है उसका कार्य होता है प्रेम में चलना क्योंकि प्रेम में आप सही होते हो सही होने की इच्छा रखते हो और प्रेम चीजों को सही कर देता है। John 10:11-15 जो पासवान मुझे देख रहे हैं बड़ा भारी स्क्रिप्चर आ रहा है पेटी कसने अरे विजय विशाल says I am a servant. Love you Vijay for saying that. I hope more people say who are watching me. I am a servant. यूहन्ना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 11वीं से 15वीं आयत तक
अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। क्या देता है? हम चरवाहे हैं, आप देख रहे हैं मुझे, चरवाहे हैं आप, लीडर हैं। तो पहली चीज क्या है, क्या आप अपनी भेड़ों के लिए जान देते हैं? मजदूर काफी काफी भारी है मजदूर जो ना चरवाहा है। क्या मुझे बोलने नहीं देगी? That it need be, I should lay down my life for my sheep. अगर मैं सच्चा चरवाहा हूँ तो मुझे अपनी भेड़ों के लिए जान देनी चाहिए। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िये को आते हुए देख भेड़ों के को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ। ये बड़ा जरूरी है समझना कि प्राण लेने नहीं, जरूरत पड़े तो देने। Stupefied, stunned, and horrified when one person in some state of India told me that if that person did not give a pastor so much money, he would pray against him and spoil his life and family. मैं ये सुनकर स्तब्ध हो गया और डर गया जब मैंने किसी के मुख से सुना कि अगर किसी फलाना इंसान ने इतना पैसा उस पासवान को नहीं दिया तो वह पासवान उसके खिलाफ प्रार्थना करेगा और उसके जीवन को तहस नहस कर देगा। That man is not a pastor. वह इंसान तो पासवान है भी नहीं। I never will be. और वह कभी पासवान बन भी नहीं सकता। By scaring people, you want authority and money, you will never get it. अगर आप लोगों को डरा धमकाकर पैसा और ताकत पाना चाहते हैं तो वह आपको कभी नहीं मिलेगी। People have the weirdest thinking, you know. One person wrote to me, "You look nice. How are you, a pastor?" tell me what should I answer that lady? And I don't think I am a Greek god or anything like that, but I'm okay. I get by. But he had a problem that I was disqualified to be a pastor because I was okay looking. लोग अजीब अजीब बातें आपसे करते हैं और उनकी सोच कुछ आश्चर्यजनक होती है। किसी ने एक बार मुझे संदेश भेजा कि आप एक पासवान कैसे हो सकते हैं, आप तो काफी अच्छे हैं दिखने में। तो मुझे नहीं समझ में आया कि उनकी क्या समस्या है, पर उनके अनुसार मैं पासवान इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मैं उनके हिसाब से अच्छा दिखता हूँ, इसलिए मैं पासवान नहीं हो सकता। Then he quoted about three scriptures from Genesis which were unrelated. Copy-pasted them. फिर उसने उत्पत्ति की पुस्तक से तीन वचन निकाले जो बिल्कुल ही कहीं इससे जुड़े नहीं थे और उसने वह दिखाया। And in some corner of India he sits thinking that he will go to heaven. और भारत के किसी राज्य या कोने में बैठा-बैठा वह यह सोचता है कि वह स्वर्ग में जाने वाला है। He will be very definitely in for a big unpleasant surprise. और वह जरूर ही उसको एक बहुत ही भयावह आश्चर्य मिलेगा अपने जीवन में देखने के लिए। Say, I want to be a good shepherd. I want to be a shepherd like Jesus. तो जीसस बाहर निकले, फिर उन्होंने ओला मंगाया। अरे, then he realized कि ओला वो भेजने वाले हैं कोई 2000 साल के बाद। फिर उन्होंने मोटर बोट मंगाई। अरे, मोटर बनी नहीं। फिर मोटरसाइकिल हार्ली डेविडसन मंगाया, बुलेट मंगाया, अरे वो भी नहीं बनाया। रोल्स रॉयस वो भी नहीं बनी है। तो क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। एक लड़की मर गई है, उसका बाप आता है, 4 किलोमीटर दूर घर है, मेरी लड़की मर गई है, जाते हैं उसके साथ। उसके साथ जाते हैं तो वहां पे लोग हंसते हैं उनके ऊपर, वो मर गई है, मर गई, तुम जा। वो बोलते हैं वो मरी नहीं है, सोई है। लोग हंसते हैं।
लोग हंसते हैं, उन लोगों को बाहर करते हैं, अंदर जाते हैं, लड़की को बोलते हैं उठ जा, वो लड़की उठ जाती है, उसको बोलते हैं उसको खाना खिलाओ, फिर वो आगे चलते हैं, थैंक यू, फिर वो आगे चलते हैं तो एक आदमी मिलता है जिसका हाथ नहीं है, हाथ नहीं है, तो बोलते हैं हाथ को बढ़ाओ, तो हाथ है ही नहीं, वो हाथ को इमेजिनेशन में बढ़ाता है, फेथ में बढ़ाता है, हाथ बाहर आ जाता है, फिर 10 कोड़ी आ जाते, 10 ही थे ना, कहता जाओ और कोड़ी ठीक होना शुरू हो जाता है, उनमें से एक आदमी धन्यवाद करने आता है, फिर वो देखते हैं कि शाम हो गई, बहुत सारे लोग हैं उनके साथ, 10-15 हज़ार लोग हैं, औरतें बच्चे आदमी, 5 हज़ार लिखा मुझे पता है पर बिसाइड्स विमेन एंड, तो बोलते इनको खाना दो, डिसाइपल बोलता है नो प्रॉब्लम मैकडॉनल्ड, अरे स्टिल टू बी एस्टैब्लिश्ड इन 2500 ईयर्स, अर्बन तड़का सॉरी पिज्जा नो, शेरे पंजाब बल्ले बल्ले खाना है नहीं, इमेजिन 2000 ईयर्स बिफोर विल्डरनेस 10,000-15,000 पीपल नो फूड, व्हाट विल हैपन, ओल्डर पीपल चिल्ड्रन विल स्टार्ट फेंटिंग, सम विल डाई, अरे मैकडॉनल्ड नॉट आंसरिंग, अरबन तड़का नॉट आंसरिंग, टोनी नॉट आंसरिंग, सो यू टेक सम ब्रेड एंड सम फिश एंड मल्टीप्लाइज इट आफ्टर अ प्रेयर एंड फीड्स ऑल द पीपल. Then he walks on water for a little while. And Peter walks with him. Then he goes to Lazarus' grave, who's dead for 4 days and stinking. Says, Lazarus, come out, and Lazarus comes out. This is the part of a day of the Lord Jesus. How much of a part of your day is like this? उसके साथ शाम को कई 5,000 लोग और उसके अलावा वृद्ध और बच्चे भी हैं जिनको खाना खिलाना है, कुछ मछलियां और ब्रेड के टुकड़े हैं, वह लेता है, प्रार्थना करता है, फिर उससे वह 5,000 से अधिक का पेट भरता है, वह जाता है पानी पर चलता है और पतरस उसके साथ चलता है, उसके बाद वह जाता है लाजर को जिलाता है, उसको अपनी कब्र से बाहर निकालता है. यह एक छोटा सा टुकड़ा है उसके पूरे दिन का यीशु का जो वह करता है, और हम में से कितने हैं जो ऐसा कोई कार्य, मतलब कितना कार्य करते हैं यीशु के समान अपने जीवन के एक दिन में. So we are servants. What is he doing? He is serving the people from morning till night. हम सब नौकर हैं. वह क्या कर रहा है यहाँ पर? वह पूरे सुबह से लेकर शाम तक लोगों के लिए कार्य कर रहा है, उनका भला कर रहा है. We should never forget that we are servants. और हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम नौकर हैं. And we should never forget when we are servants, we are the greatest. और हमको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम नौकर हैं तो हम बहुत महान भी हैं. We should never forget that we'll be honored, we'll be felicitated, we will be given double honor and everybody will be blessed through us. हमको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें सम्मान दिया जाएगा, हमारा सम्मान बढ़ाया जाएगा और बहुत सारे लोग हमारे द्वारा आशीषित होंगे. When we are servants. जब हम नौकर हैं. यूहन्ना की पुस्तक उसका 21वां अध्याय 15-17 आयत. भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ. उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा. उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ. उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर. उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ. यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा. This is Peter. First he has cut the ear of one policeman, which Jesus had to fix back.
This is the same Peter when Jesus was taken away, who denied him 3 times. It's the same Peter who disobeyed Jesus and said, I have nothing to do with Jesus, I don't know Jesus, who denied Jesus, meets Jesus. Not once has Jesus mentioned, you denied me, you cut off the ear. Not once. And what do? We rub the noses of the people in what they've done wrong. In 1960, you did that. 47, you did that. You are bad. ये वही पत्रस है जिसने किसी एक सिपाही का कान काट दिया तो यीशु को उसे बचाना पड़ा। फिर ये वही पत्रस है जिन्होंने 3 बार यीशु का इनकार किया कि मैं तुझे जानता तक नहीं हूँ, पर यीशु ने कभी उसको यह नहीं जताया कि तू तो मुझे इनकार कर चुका है, तूने तो यह किया, तूने तो मुझे ठुकराया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सदियों या फिर सालों पुरानी चीजें लोगों की ढूंढते हैं कि इस सन में आपने वह किया, उस वर्ष में आपने यह गलत किया, हम Remember when you came in 1947, you were delivered. You did the Bharatanatyam. That's why he came, that's why she came, because she had to be delivered. No, the church is for sinners, not for the righteous. हम याद दिलाते हैं कि आप याद कीजिए उस साल जब आप आए थे तो आपको चंगाई छुटकारा मिला। अरे इसीलिए वह कलीसिया में आया क्योंकि उसको उस दिन चंगाई और छुटकारा मिलना था। और चर्च जो है, जो कलीसिया होती है, वह पापियों के लिए ही तो बनाई गई है। We become so righteous, we forget that we remain sinners because our righteousness is our own, which is not righteousness. हम खुद इतने धर्मी बनने लगते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम अभी भी पापी ही हैं, क्योंकि हम अपनी धार्मिकता से धर्मी नहीं बन सकते। This church belongs to Jesus. And thank God for that. यह कलीसिया यीशु की है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि यह यीशु की कलीसिया है। Without his anointing, I'm a dead man. और उसके अभिषेक के बिना तो मैं एक मृत इंसान हूँ। Dead, completely. If I had not Jesus, I had not found Jesus, I would be divorced and dead or both, mostly both. अगर मैंने यीशु को नहीं पाया होता तो हो सकता है मेरा तलाक हो गया होता या शायद मैं मृत 100% हो चुका होता 100% या फिर मेरे साथ दोनों घटनाएं हो चुकी होती। Divorced and dead. मृत और तलाक और मृत। Useless. It is the anointing of God which builds a church, you and me. In anything, it is His anointing which breaks the yoke. यह परमेश्वर का अभिषेक है जो बंधन को तोड़ता है, कलीसिया बनाता है, आपको और मुझको बनाता है। मेरा पप्पू बहुत अच्छा है, उसका लल्लू बहुत खराब है। मेरा बीबी बहुत अच्छा है, उसका बीबी डेंजर आंटी है। मेरा प्रेयर लाइफ एकदम अच्छा है, उसका सैटेनिक प्रेयर लाइफ है। उसका आंख भी देख कभी कितना इवन स्पिरिट है, सब उसका, और अंदर डीमंस डांस कर रहे हैं, डांडिया भी चल रहा है, भंगड़ा भी चल रहा है, ट्विस्ट भी चल रहा है। मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है, सबका बहुत खिला दे, सब लोग बहुत खिला दे। Matthew 7:12 I love you too. मत्ती की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। ये अगर चर्च समझ जाए यीशु मसीह का, डू अन टू अदर्स एज यू वांट देम टू डू अन टू यू, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
If the Church of Christ understands that as you want to be treated, treat others, a lot of problems from this world will go away. अगर यीशु की कलीसिया और उसके लोग यह समझ जाएं कि जैसा व्यवहार आप अपने साथ चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के साथ करें, तो इस पृथ्वी से और इस संसार से बहुत सारी मुसीबतें स्वयं ही खत्म हो जाएंगी। मेरा पप्पू हेल्दी, उसका पप्पू मोटा, क्या लॉजिक है भाई? मेरा पप्पू का फिगर क्या मस्त, सूख रहे लिए वो बूमबिन। क्या मजे में खाता बूमबिन। मेरे पे ऑरेंज लिपस्टिक एकदम मस्त, उसको लगता है कोई भूत आ गई है। थोड़ा दांत पे भी लगा लेने का, खून तो पीती है। ये बिड़ू दुनिया का प्रॉब्लम है। मैं पान वाले के पास पान खाता हूं, सादा कलकत्ता कच्ची सुपारी सल्ली इलायची। उसका एक भाई है जो बहुत बुरा पान लगता और वो बहुत अच्छा पान लगाता, तो भाई होता है तो मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, देख लिया इसने, हाँ उसी से खाओ, हमारा पान भी छेद कर दे, हमारा पान भी छेद कर दे, हमने तो सिखाया, हमसे छोटा है 2 साल, यार तू सिखा के भूल गया, ऐसा क्यों किया? उसका मुई सारा से पता है ये सब, बिकॉज वो है नहीं भाई, तो आ रहे जबरदस्ती आधे कन्नी काट के निकल जाते हैं और जो फंस जाते हैं पान लगा के। अ बेटर थिंग वुड बी टू लर्न फ्रॉम हिज ब्रदर एंड हिज स्ट्रेस ब्लड प्रेशर एंड ऑल दीज ट्रबल्स एंड बिटरनेस वुड गो अवे। अच्छा तो यह होगा उसके लिए कि वो अपने भाई से सीखे और उसके अंदर जो भी नकारात्मकता या कड़वाहट है वह सब चला जाएगा। Or change his profession. या फिर वो अपना व्यवसाय ही बदल ले। He does neither. And I have to eat a bad pan. और उसने दोनों में से कुछ भी नहीं किया और मैंने हमेशा उससे बुरा पान खाना पड़ा मुझे। Learning from others. दूसरों से सीखिए। I learned from a little adorable child who stays in my building, craftiness. He's so cute, like he's the definition of cute. He wanted to play table tennis, his father would not let him play. He's about 4 years old. Very cute. Meri tutlata hai bada cute. Main khelunga. मैं भी बाद में अभी बड़े लोग खेले, मैं भी बजाऊंगा ना, मेरे को एक गेम खेल दे दो प्लीज। नहीं अच्छा, मेरी कम्स टू मी अंदल अंदल क्या पापा को हिला दो, नो किडिंग, and he started papa ko hilaya, maine raha ke so 4 year old you God bless everybody watching. Another thing for pastors, I would say, is Galatians 6:9, and leaders, and everybody is a leader in your own right.
If nothing else, I am the leader of my dog. गलातियों की पुस्तक उसका छठवां अध्याय उसकी नौवीं आयत, हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। See, to want a reward for everything makes your doing God short good short lived. अगर आप हर चीज के लिए कोई उपहार चाहते हैं तो आपके अच्छे कार्यों में एक आप उसकी उम्र छोटी हो जाती है। Because you do the deed and you want a reward, you want appreciation, you want, you know, claps. So what? It doesn't happen. You stop doing good. क्योंकि आप अच्छा करते हैं और तुरंत आपको इनाम चाहिए, आपको वाह वाह चाहिए, आपको तालियां चाहिए और जब वो आपको नहीं मिलती तो आप उसे करना छोड़ देते हैं। But you must realize and think about a day in Jesus' life. Of the 10 lepers who got healed, how many came to thank him? One. So what is the percentage scientifically? 10%. Psalm is it? Thus. The same will be with us, but we should not stop doing good. जब यीशु ने कोड़ियों को चंगा किया, 10 कोड़ी थे और एक ही आया उसका धन्यवाद करने के लिए, वह दसवां अंश था, उसका दसवां प्रतिशत था। और ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन हमको भी उसकी तरह अच्छे कार्य करना छोड़ना नहीं है। Understand, you getting 10% of reward, it's more than enough. आप यह समझ लीजिए कि अगर आपको 10% भी इनाम में मिल रहा है तो आपको काफी मिल गया। Nice to see you, Lynette, after a long time. Aarti Singh, good to see you. God bless you. Say, I will. Keep doing good. Regardless of the rewards. Main achha karta rahunga. Inaam mile ya na mile. Apne liye taali bajaye. Time to time lead us to do this. James 4:10. My Angad, when Angad used to box, he was very little. I mean, when he started to box. So he had a Parsi coach who was very eccentric. And because of the punches he had taken, he was punch drunk. And his head used to keep on shaking like this, which is very sad. But he was a very nasty tempered man. Whenever I used to go to him, the first thing he used to say was, "Sir, just see how I will insult him." And I don't want to see. So his funda in life was that he could insult people. याकूब की पुस्तक उसका चौथा अध्याय उसकी दसवीं आयत, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। Humble yourself, all the leaders of the world, all the pastors, apostles, etc. Humble yourself before the Lord so that in due time he can lift you up. अपने आप को परमेश्वर के सामने, जितने भी नेता हैं या फिर जो भी सेविकाई करते हैं, वो अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनाए तो सही समय आने पर परमेश्वर आपको सबसे ऊंचा उठाएगा। If I tell this girl you're a doctor and give her scissors and a knife to operate, what will happen? Disaster, no? Pushpa is a doctor. क्या स्कोर चल रहा है कुछ बात? 3 लुढ़कता है। अच्छा, गॉड फॉरबिड। सो पुटिंग पास्टर बिफोर योर नेम डज नॉट मीन दैट यू बिकम अ पास्टर बिकॉज यू राइट पास्टर। यू बिकम अ पास्टर बिकॉज द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। एंड अनॉइंटिंग हम्बल्स यू, बिलीव मी, इट कीप्स यू लेवल हेडेड। Anointing makes you see a very huge God and see a very small you. That is true anointing. सिर्फ अपने नाम के आगे पासवान लगा लेने से आप एक पासवान नहीं बन जाते। अभिषेक जो होता है वह आपको पासवान बनाता है, और जो आपके ऊपर अभिषेक होता है तब आप नम्र होते हैं, दीन होते हैं, और आप
उस महान और बड़े परमेश्वर को देख सकते हैं और उसके सामने आप अपनी तुच्छता को भी देख सकते हैं। जोत को शेफ बना दिया सारी जिंदगी अंडे खाओ, फ्राई अंडा, ऑमलेट अंडा, कुछ बोलने से थोड़ी ना आदमी बन जाता है, उसके फल से पता लगता है। आदमी के फल से पता लगता है, आपका फल दिखता है लोगों को। कुछ लोगों को सिर्फ खुद को दिखता है, दूसरों को नहीं दिखता है। प्रॉब्लम जिस पे फल लगता है उसके आसपास लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें वो चाहिए, वो फल चाहिए। जिसके लगा नहीं हो वो अकेला खड़ा रहता है, फिर वो सोचता नहीं मैं इतना अच्छा सिखाता हूं कि लोगों को समझ नहीं आता, इतनी डीप मेरी टीचिंग है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। फल से प्रभु आपको आशीषित करेगा। प्रभु की मोहब्बत फल देती है, प्रभु का अभिषेक फल देता है, प्रभु की कृपा फल देती है। ये सब कुछ जो है अभिषेक से आता है। तो मैं कौन हूं, किस खेत की मूली हूं मैं, सब कुछ प्रभु का अभिषेक। Prosperity for community, Philippians 2:4. फिलिपियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी चौथी आयत, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। This raises up a country, community and a mahalla. दूसरों की चिंता करने से आप किसी भी देश को, किसी भी समाज को ऊपर उठाते हैं। If I look after your needs, if I help you out, you help me out, the whole community will automatically come up. अगर मैं आपकी जरूरतों का ध्यान रखूं, आप मेरी जरूरतों का ध्यान रखें, तो हमारा समाज और हम भी ऊपर उठ जाएंगे। If filmmakers lift each other up, better films will be made. I feel so sorry that there is no original story left now and all old stories are again being remade. So sad. Or Tamil films I'm being there. Or some take a true story, that's different. But repeating a story written by, well, that means you've run out of ideas. Because you're too busy competing with each other rather than complimenting each other. जो फिल्में बनाते हैं एक दूसरे को अगर बढ़ाएं, ऊपर उठाएं, तो ज्यादा अच्छी फिल्में बन सकेंगी। मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है कि ज्यादा जो वास्तविक विचार हैं वह रही नहीं गए हैं। कहीं से हम किसी और भाषा की पिक्चरें उठा रहे हैं या फिर जो पहले से कहानियां लिखी गई हैं हम उसे लेकर कुछ फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से स्पर्धा करना चाहते हैं, उठाना नहीं चाहते। मनुष्य के मस्तिष्क में, मन में कुछ नया विचार आ ही नहीं रहा है। Because the man's thinking has become such to steal rather than to create. क्योंकि मनुष्य की सोच ऐसी हो चुकी है कि वह चुरा ले बजाय इसके कि वह कुछ नया बनाए। And the second will be never as good as the original, believe me. और जो दूसरी चीज होगी वह कभी भी जो वास्तविक है उससे अच्छी नहीं हो सकती। I don't believe anybody believes that the second dawn was better than the first. No. मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इस बात से सहमत होगा कि जो डॉन दो बनी थी वह जो उसकी वास्तविक मूवी थी, पिक्चर थी, उससे अच्छी थी। Original is original. Take a story, take a story of a martyr, take a story of a thief, take a story and make a story out of it. आप किसी के जीवन से कहानी उठाइए लेकिन वह वास्तविक हो और उस पर आप कोई पिक्चर बनाइए या फिर उसकी कहानी को आप प्रस्तुत कीजिए। How many times will you show two flowers kissing each other? They've recently stopped that. Thank you, please. But then I saw a nice film yesterday, Kabir, dark but nice. Naam Shabana is a beautiful film. Nice film too. Proverbs 27:23. Aarti Singh, I'll soon find out a church for you in Delhi. A spirit-filled church. Go to the right church. Very important. Niti Vachan, uska 27th. Praise the Lord, Lynette.
बोलो यीशु मसीह की जय। अश्विनी कुमार जी, विजय बशाल जी, रंजीत नेगी जी, सबका स्वागत है। नीति वचन उसका 27वां अध्याय उसकी 23वीं आयत। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर। फिर से बड़ा सॉरी। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंड की देखभाल उचित रीति से कर। उचित रीति रीति से कर। पीपल डोंट अंडरस्टैंड रिसेंटली संगीता वेंट टू स्विट्जरलैंड। पीपल वर फ्रेंडली but did they give you the right direction? Yes. And stuff, they'll give you the right direction. Some places they will be very friendly but give you the wrong direction. Sabki bhali bati. So who is the king of the church? Jesus. Say Jesus. Jesus. Now you want to be an overcomer, you want to be a leader, be his servant. And be the servant of your congregation to serve them. John 16:33 says, take heart, I have overcome the world. Who has overcome the world? Jesus. Not Paramjit, not anybody else. Jesus has overcome the world. That overcoming power, when you understand in humility, when you humble yourself, comes into your work, comes into your home, comes into whatever you do. यूहन्ना की पुस्तक उसका 16वां अध्याय की 33वीं आयत। मैंने ये सब बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Jesus is king. Say. Jesus is king. 1, 2, 3. Jesus is king. 1, 2, 3. Jesus is king. 1, 2, 3. Jesus is king. And if I humble myself, he will lift me up. Humble yourself before God and he will lift you up. Then he says in Matthew 9:37, the harvest is plentiful but the laborers are few. कि मैंने तैयार करा हुआ है बहुत बड़ा सोल्स का हार्वेस्ट पर लोग कम है। सो वी हैव टू प्रे फॉर लेबरर्स टू इंक्रीज। लेबरर्स आर हु? लेबरर्स आर सर्वेंट्स। उसने यह कहा है कि फसल तो बहुत है लेकिन काटने वाले कम है, तो हमें प्रार्थना करनी है कि काटने वाले बढ़े। और काटने वाले कौन है? काटने वाले नौकर है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट we do not forgive the sins of people, so we have no right to put their sins on their foreheads. You understand? हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम वह नहीं है जो लोगों के पाप माफ कर सकते हैं या करते हैं, तो हमें यह भी हक नहीं है कि उसके पाप उनके पाप हम उनके माथे पर लिख दें। Matthew 9:2 says, take heart my sons, your sins are forgiven. Take heart my son, your sins are forgiven. मत्ती की पुस्तक 9वें अध्याय की 2री आयत में लिखा है कि धाड़स बांध मेरे पुत्र, तेरे जो पाप हैं वह क्षमा कर दिए गए हैं। How hard is that? This is where we have to bring people. The kingdom of God is at hand and Jesus can forgive your sins and give you an everlasting life and a happy life on earth, a successful life, a successful intellect, a creative personality, and a person who can create new things. और हमको लोगों को यही समझाना है और यही तक लेकर आना है कि परमेश्वर का राज्य जो है, जो वह हाथ में है, और वह आपको जीवन में और अनंत काल में भी एक अच्छा जीवन दे सकता है, पृथ्वी पर आपका जीवन सुखद और खुशहाल बना सकता है। Matthew 7:7 says, ask and it will be given to you. Jesus is saying. मत्ती की पुस्तक 7:7 में लिखा गया है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। यीशु खुद यह कह रहे हैं। Believe it, what you ask, he will give you. आप यह विश्वास करिए कि जो आप मांग रहे हैं वह आपको देगा। You have to be patient.
लेकिन आप में सब्र होना चाहिए. You have to keep doing good. और आपको अच्छा करते रहना चाहिए. You have to be patient when you see no reward. और आपको तब भी सब्र रखना पड़ेगा जब आपको कोई इनाम न मिल रहा हो. You have to understand that it will come from him. और आपको यह समझने की जरूरत है कि जो भी इनाम होगा, जो भी प्रशंसा होगी, वह परमेश्वर से आएगी. And with that, no sorrow will be attached. और उसके साथ कोई दुख मिला नहीं होगा. But you have to keep on doing good. लेकिन आपको अच्छा करते जाना है. When things are bad, जब चीजें बुरी हो रही है, when nothing is happening, जब कुछ हो भी नहीं रहा, when nobody is appreciating, जब कोई आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा, suddenly your miracle will come through. अचानक से आपके जीवन में आपको आपका चमत्कार मिल जाएगा. That's how exactly it works if you understand. और सच में वास्तविकता में ऐसा ही होता है अगर आप इसको समझ पाए. And your miracle will be bigger than you imagined. और आपका जो चमत्कार होगा वह आपकी सोच से बहुत बड़ा होगा. Because you can't think as big as Jesus. क्योंकि आप परमेश्वर की सोच से बड़ा नहीं सोच सकते. And he wants to give you a huge miracle. और वह आपको एक बहुत बड़ा चमत्कार देना चाहता है. Be patient. सब्र रखिए. Amen, amen, amen. Lot of amens coming in. Very good. Dilkush, praise the Lord. Nice name, Dilkush. You know, our problems are self-created. हमारे जीवन में अधिकतर जो समस्याएं हैं वह हमने खुद बनाई हैं. Hatred is one of the biggest one. नफरत करना एक बहुत बड़ी समस्या है. Not liking people is another big one. दूसरों को पसंद नहीं करना वह एक और दूसरी बड़ी समस्या है. To have jealousy is another big one. दूसरों से ईर्ष्या रखना एक समस्या है. Not being able to appreciate others is another big one. दूसरों की तारीफ ना कर सकना वह भी एक समस्या है. Not liking yourself, another big one. और अपने आप को पसंद नहीं करना भी एक बहुत बड़ी समस्या है. If you don't like yourself, you will like nobody. अगर आप अपने आप को पसंद नहीं करते तो आप दूसरों को भी पसंद नहीं कर सकते. Jesus said, love others as you love yourself. यीशु ने कहा है कि आप दूसरों को वैसे ही मोहब्बत करें जैसे आप अपने आप को करते हैं. All these things create problems, blood pressure, not always, many times, blood pressure, heart disease, sickness, panic attacks. इन सब जो आप बातें आपके अंदर होती हैं उससे कई बार आपको स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं, आपका उच्च रक्तचाप हो जाता है, आप परेशानी में रहते हैं, आप दबाव में रहते हैं. Apprehension of the future, panic attacks. हमेशा भविष्य के बारे में सोचकर घबराना और आपको पैनिक अटैक्स आते हैं. Will I be appropriately dressed for the marriage? Panic attack. क्या मैं अपनी शादी में बहुत अच्छे से कपड़े पहन के तैयार हो पाऊंगा? दूसरे की शादी में भी. दूसरे की शादी में भी वो आपका एक सोचना पैनिक अटैक है. मैं और आपकी घूमती औरतों की मैं देखता हूँ. ढाई तोला, आठ तोला, अमेरिकन डायमंड, रियल डायमंड. फालतू की प्रॉब्लम्स कैसे खुश रहेंगे आप? नहीं सकता आदमी खुश ऐसे. मेरे पास अच्छी मोटरसाइकिल है, किसी को और अच्छी मोटरसाइकिल है. मैं काला हूं, मेरे से कोई और काला है. मैं गोरा हूं, मेरे से कोई और गोरा है. मैं लंबा हूं, मेरे से कोई और लंबा है. मैं पैसे वाला हूं, मेरे से कोई और पैसे वाला है. टेंशन लेने का नहीं दोस्त, मैं ठीक दिख रही है. Many young people in the lift. I know he's going out maybe on his first date. Uncle, how am I looking? A dashing boss. Do it like a boss. That I can understand. 18-year-old, 19-year-old. Uncle, how am I looking? Always he keep thinking, how are you looking? A friend of mine narrated an incident of an actor who I will not name. Very huge star, but still so obsessed with himself that he had mirrors all around him. And that person was narrating him a story, so he had to follow him on the roof because he was looking on the roof. Then he was checking out his profile. Then he was checking out his right profile. So he could not talk to him face to face. He had to talk to him through the mirror. It's very funny. Imagine, sir, 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 sir. मेरे एक
मित्र ने हमको बताया वो किसी एक्टर को किसी अभिनेता को कहानी सुनाने गए थे पटकथा, लेकिन वो अपने आप में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने अपने चारों ओर शीशे लगा रखे थे, तो उनसे बात करने के लिए उनको हमेशा इस दीवार उस दीवार या छत पर देखना पड़ता था, क्योंकि सीधे सीधे वो उनसे बात नहीं करते थे, वो अपने आप में इतने खोए थे और अपने आप से वो इतने ज्यादा मोहब्बत में थे। एक घंटा हो गया अभी तक आई नहीं हो सर, बीच में शीशा मिल गया होगा, ठीक है थोड़ा बहुत ठीक है यार। So we have to be free of all these things, right? And as John 8:36 says, that we can't get freedom on our own. It says, if the Son has set you free, you are free indeed. यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि हम खुद से स्वतंत्र नहीं हो सकते, वह कहता है वचन कि जिसको पुत्र स्वतंत्र कर दे वह हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाता है। So ask now, people who are watching me, people who are here, ask God what you want to be set free from. Ask Him. People are watching. God will set you free. Jesus will set you free. तो परमेश्वर से आप पूछिए जो मुझे देख रहे हैं जो यहाँ हैं कि किस चीज़ से वह आपको स्वतंत्र करना चाहता है। Set us free, Lord God. Set us free. Perfection never comes from perfection. परिपूर्णता कभी भी परिपूर्णता से नहीं आती है। Perfection comes from weakness and imperfection. परिपूर्णता जो है वो आपकी कमियों से आती है और आपकी कमजोरियों से आती है। You are a work of art which is an ongoing process which will be perfected. आप एक रचना है जो बनाई जा रही है, अभी आप पूरे बनाए नहीं गए हैं और आप सबसे उत्तम तब बनेंगे, परिपूर्ण तब बनेंगे जब आपका समय आएगा। So, be at ease with your weaknesses. तो अपनी कमियों और कमजोरियों में आराम से बैठिए। Let God come into them. Don't deny them, because that is where the problem becomes chronic. Don't deny it. Tell him, I can't deal with this. God in some way will deal with it. अपनी कमियों में परमेश्वर को आने दीजिए, कमियों से इनकार मत कीजिए, क्योंकि उसके बिना परमेश्वर उसको हटा नहीं पाएगा, कार्य नहीं कर पाएगा, उसको आने दीजिए और वह अपने तरीके से उन कमियों से आपको दूर करेगा। First of all pastors and leaders have to apply it to ourselves. We have weaknesses. Who are watching me, you have weaknesses. But you are so busy at looking at other people's weaknesses that you are incapable of correcting your own weakness. Give it to God. Go into a little meditation with God, into the Word of God, and see what God tells you, and ask and repent for it, and God will deal with it. सबसे पहले हम सब पासवानों को जो मुझे देख रहे हैं, अपने आप में झांकने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब में कमियां हैं। अगर हम सिर्फ दूसरों की ही कमियां ढूंढने में लगे हैं, तो परमेश्वर से आप कहीं अकेले में बात कीजिए, उसकी बात पर ध्यान कीजिए, उसको अपनी कमियों में आने के लिए बोलिए, उसको वक्त दीजिए और वह आपसे आपकी कमियां निकालेगा। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी दिलखुश, because the last scripture is Matthew 19:26. With man this is impossible, but with God all things are possible. बोल दो। मत्ती की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसकी 26वीं आयत की मनुष्य के लिए यह असंभव है, पर परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। So my dear friends, you have to, if you call yourself a shepherd, you got to take the bouquets and the brickbats. तो अगर आप अपने आप को पासवान बांधते हैं, तो आपको फूलों के हार के लिए भी तैयार रहना है और क्रिकेट बैट के लिए भी आपको तैयार रहना है। Our boss is Jesus and he is our great shepherd. हमारा स्वामी यीशु है और वह हमारा बहुत महान चरवाहा है। We have to be an overseer of souls. आपके सोल्स की मैं देखता हूँ कि ठीक रहे आपके। आपके साथ सब अच्छा है। हमें आपकी रूहों की निगरानी करनी है। They have to feed the sheep, each one of you.
not feed the weaknesses. You're like that, you're like that. You can feed the sheep with the gospel. Kingdom of God is at hand. Not thrust it, not force it, but tell the people, otherwise the blood is on hand. It's at hand. And the way you tell it is whether he will receive it or not. I'm telling you. आपको भेड़ों को खिलाना है, उसको में थोपना नहीं है, क्योंकि लिखा है कि जो परमेश्वर का राज्य है वह हाथ में है. तो आप किस तरह से बताते हैं उस बात पर यह निर्भर करेगा कि वह सुनेंगे या नहीं सुनेंगे. For 9 years, Moni ji tried. I didn't listen for 9 years. Gospel, fasted and prayed, but then I listened. Time होता हर चीज़ का. So, ladies and gentlemen, enjoy your walk with God. Don't get weary of doing good. And I pray, Father God, everybody is watching me, who's here, this message will take root, Father God. And I pray people अपने साथ आराम से रहेंगे. कुछ लोग अपने साथ नहीं रह सकते. तो हम अपने साथ हम we will make peace with ourselves. हम लोग शांति बनाएंगे यीशु मसीह के नाम से और अच्छा भला करते रहेंगे. और प्रार्थना है कि हम और हमारे परिवार बचेंगे. प्रार्थना है कि प्रभु हम फले फूलेंगे. प्रभु प्रार्थना है कि प्रभु हम अपने आप को जज पहले करेंगे, दूसरों को बाद में करेंगे. प्रभु पहले अपनी आँख से चारपाई निकालेंगे, फिर दूसरे की आँख से तिनका निकालेंगे. प्रभु प्रार्थना है मेरी प्रभु कि हम लोग आज इस मैसेज के बाद और परिपूर्ण होंगे यीशु मसीह के नाम से. Yeah.